प्रहार टीवी सत्यमेव व्रतम। चंद्रकांत पाटिल पर सियाई फैक्ट्री के मामले में कार्रवाई, 3 अधिकारी और 7 कांस्टेबल सस्पेंड। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल की कथित टिप्पणी को लेकर पुणे में पिंपरी में शनिवार को उन पर स्याही फेंकी गई। अब इस घटना पर पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने अपने 7 कांस्टेबलों और 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस आयुक्त अंकुश शिंदे ने कहा कि पुलिस ने पाटिल पर स्याही फेंकने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। इस घटना के एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पर तब स्याही फेंक रहा है जब वो पिंपरी चिंचवाड़ स्थित इमारत से निकल रहे थे, लेकिन मंत्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने युवक को तुरंत पकड़ लिया। शनिवार रात चंद्रकांत पाटिल ने पत्रकारों से कहा कि वो इस तरह के हमलों से डरते नहीं हैं और सभी विपक्षी नेताओं को इसकी निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा बयान को गलत समझा गया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बाबनकुले के निर्देशों का पालन करने और कानून को अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की। शुक्रवार को औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री पाटिल ने मराठी में कहा था कि अंबेडकर और फुले ने शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए सरकारी अनुदान नहीं मांगा। उन्होंने लोगों से स्कूल और कॉलेज शुरू करने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए भिक्षा मांगी। भिक्षा शब्द के प्रयोग से विवाद खड़ा हो गया।